फाइनली दोस्तों सस्ता वाला आईफोन यानी टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है ग्लास बैक पैनल के साथ। फोन का डिजाइन देखने में जैसा है, उसके साथ भाई फीचर्स भी काफी खतरनाक दिया गया है। ऐसा डिजाइन और ऐसा फीचर्स आपको मार्केट में इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। तो क्या कुछ मसालेदार फीचर्स है और क्या कुछ प्राइस रखा गया है आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक का टारगेट 500 रखते हैं, आई होप आप कंप्लीट करवा दोगे। तो सबसे पहले फोन का डिजाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बैक साइड का पैनल जो है भाई पूरा आपको ग्लास फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है, ग्लॉसी फिनिशिंग आपको दिया गया है और यहाँ पर बिल्ड काफी तगड़ा इस बार यूज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बैक पैनल में कैमरा सेंसर में ध्यान देंगे तो भाई ये आईफोन जैसा फील देगा आपको, यानी इसको आप सस्ता वाला आईफोन भी कह सकते हो। ड्यूल रियर कैमरा है, एलईडी लाइट है, बट ओवरऑल यहां पर बैक पैनल का डिजाइन भाई मक्खन लग रहा है। इस फोन को जब हाथ में लेके आप बाहर निकलोगे तो भाई कोई भी कहेगा कि इस फोन का प्राइस भाई 20 या फिर 25 हज़ार से ऊपर है, लेकिन भाई काफी कम प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है। फ्रंट में आपको पंचोल डिस्प्ले मिल जाता है। ओवरऑल भाई डिजाइन में इस बार कोई कमियां नहीं रखा है भाई टेक्नो इस फोन में। लेकिन दोस्तों यहां पर जो फीचर्स दिया गया है ना, काफी तगड़ा फीचर्स है गाइस। ऐसा फीचर्स आपको मार्केट में इससे पहले किसी भी स्मार्टफोन में शायद आपको देखने को नहीं मिला था इतना सस्ते में। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस फोन में दोस्तों आपको 16 GB का रैम मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 16 GB का रैम के साथ 256 GB का इंटरनल स्टोरेज। लेकिन यहां पर जो 16 GB का रैम है ना, यहां पर भाई 8 GB का आपको आउट ऑफ द बॉक्स इंटरनल मतलब रैम मिलता है और 8 GB का वर्चुअल रैम मिलता है। कुल मिला के 16 GB का रैम यहां पर दिया गया है। लेकिन इस फोन का और एक फीचर जो मुझे काफी अच्छा लगा भाई, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया है यहां पर हाई ओएस के साथ। तो यहां पर लेटेस्ट वर्जन भाई टेक्नो इस फोन में प्रोवाइड करवाया है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। इसी के साथ यहां पर दोस्तों आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक आईपीएस एलसीडी पैनल है और यहां पर दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, वो भी सेंटर पंचोल के साथ। डिजाइन काफी अच्छा है, फ्रंट से देखने में भी अच्छा लगता है, क्वालिटी भी काफी अच्छा है, ब्राइटनेस वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ अगर बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, 5000 mAh का बैटरी यहां पर यूज किया गया है और बैटरी डिपार्टमेंट काफी तगड़ा है, आपको बैटरी बैकअप में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यहां पर फर्स्ट चार्जिंग, तो जी हां दोस्तों यहां पर 18 वाट का फर्स्ट चार्जिंग भी दिया गया है विद टाइप सी पोर्ट के साथ। तो बैटरी डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। इसी के साथ यहां पर अगर कैमरा में ध्यान दोगे तो बैक साइड का पैनल तो भाई देखने में काफी अच्छा लग रहा है, कैमरा पैनल की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जो मेन सेंसर को यूज किया गया दोस्तों, वो है भाई यहां पर 50 MP का मेन सेंसर, साथ में एक डेप्थ या फिर AI सेंसर है और साथ में एक एलईडी लाइट भी आपको मिल जाता है। लेकिन जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों, इस मोबाइल का एक हाइलाइटिंग फीचर्स कह सकते हो, क्योंकि 32 MP का सेल्फी कैमरा है, 32 MP का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट में मिलता है विद पंचोल के साथ। सेल्फी काफी तगड़ा मिलने वाला है इस फोन में। लेकिन आप लोगों का मन में एक डाउट है भाई, यहां पर चिपसेट कौन सा यूज किया गया है, 4G है या फिर 5G है? देखिए यहां पर एक गेमिंग चिपसेट को यूज किया गया है और यह चिपसेट है दोस्तों मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक हीलियो G88। जी हां, और यह भाई काफी अच्छा एक गेमिंग चिपसेट है। यहां पर BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम आराम से खेल सकते हो, डे टू डे हर एक काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह वाला चिपसेट एक 4G चिपसेट है, मतलब ये फोन 4G के साथ लॉन्च हुआ है, इसमें 5G यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल ये सारे फीचर्स जो है भाई मुझे काफी तगड़ा लगा। बाकी इसको अभी दोस्तों ग्लोबल साइड में लिस्टिंग कर दिया गया है ऑफिशियली, यानी ग्लोबल मार्केट में अभी अनाउंसमेंट किया है, लेकिन बहुत ही जल्द ये फोन आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अब इंडिया पे इसका प्राइस कितना होगा वो भाई देखने वाली बात है, मेरे ख्याल से 15,000 के अंदर ही होगा। अब देखते हैं, डिजाइन और फीचर्स तो काफी अच्छा लगा आपको, यहां पर डिजाइन और फीचर्स के हिसाब से प्राइस कितना होना चाहिए कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।